नमस्कार, गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आज गुप्त नवरात्रि से किस तरह से रहेगी ये बताने के लिए आई हूँ एनर्जी फोरकास्ट में। सबसे पहले बता देती हूँ, यदि आप नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं या आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल स्टक्ड है, आपको लगता है कुछ नेगेटिव एनर्जी में है, तो आज ही के दिन से पूरे 9 डेज तक व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान, होम इत्यादि जरूर करें। ईश्वर पर बिल्कुल पूरी तरह से 100% फेथ रखें और सब कुछ अच्छा होगा ये सोचें। ये सोचकर ही करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। कल ही एक्वेरियस न्यू मून गया, ये साइन है कि हैवीनेस खत्म होने का और थर्ड आई ओपन होने का साइन है। जो ट्विन फ्लेम्स बहुत ही कम बोलते हैं या बोलती हैं, फ्रेंड्स भी उनके नाके बराबर हैं और आधे से ज़्यादा लाइफ आइसोलेटेड उनकी बीती है, वो अपने ट्विन फ्लेम के हायर सेल्फ विजडम को रियलाइज कर पाएंगे और पास्ट लाइफ के मेमोरीज भी फील कर पाएंगे बिना कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाए। जी हाँ, डीप मेडिटेशन में आप बहुत गहरे उतर कर एक दूसरे की आत्मा से कनेक्ट हो पाएंगे और वेकिंग लाइफ के कन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यानी कि टू मच क्राइंग एंड टू मच हैप्पीनेस की फीलिंग आपकी रह सकती है अगर आप डीप मेडिटेशन करते हैं तो। अनकंडीशनल लव, या यूं कहें कि प्रेम ही प्रेम, मस्कुलाइन की ब्लेसिंग्स देने के लिए और लव सेंड करने के लिए आप तैयार रहेंगे इसी वीक में। स्टार सीड के बारे में भी आप जानते होंगे और हो सकता है कि और डीपली जानेंगे दूसरों को, एक दूसरे को आप बहुत ही डीपली जानने लग जाएंगे और डिवाइन गाइडेंस, कॉस्मिक डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है कि ज़रूरत पड़ने पर डिवाइन मस्कुलाइन की मदद करें, अदरवाइज उन्हें उनके कर्मास को रहने झेलने दीजिए। रेमेडीज़ अगर आपको जाननी है, एस्ट्रोलॉजिकल आपका अपना कुछ जानना है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर ज़रूर पूछेगा फीस वगैरह और फिर सर्विस लेने के लिए रेडी रहिए। धन्यवाद। आपके अंदर जो भी रिसेंटमेंट, एंगर, ब्लेम चल रहा है तो नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग में मार्च तक का टाइम लग सकता है। अगर आप वाकई बहुत ही अभी तक ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अच्छी हूँ तो फिर ठीक है। वैसे एनर्जी शिफ्ट के टाइम चल रहा है, कमिटमेंट आप खुद से देंगे एंड डीएम से भी कमिटमेंट रिसीव करने के चांसेस हैं। ड्रीम में ट्विन फ्लेम के साथ कन्वर्सेशन आप देख सकते हैं और कन्फ्लिक्ट्स दूर होते हुए भी देखेंगे, यानी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ड्रीम के थ्रू ही मिल जाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ड्रीम ही सच होता है, बाकी तो इन आंखों से क्या दिखता है। फिजिकल सेपरेशन है तो रिमेंबर दैट ऑन द सोल लेवल देयर इज नो सच थिंग एज सेपरेशन, नहीं है सेपरेशन, ये बस दिखता है। ये भी याद रखिए कि यू आर नॉट टू पीपल अपोज्ड, यू आर वन ओरिजिनल सोल एनर्जी डिवाइडेड। एनर्जी डिवाइडेड है, सोल डिवाइडेड नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन को अपने दो पैरों पर खड़े होने के लिए इनर विजडम का सहारा लेते हुए फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर भी काम करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो देन इट्स ओके। यही सबसे बड़ा लेसन है डिवाइन फेमिनाइन, जो फीमेल एनर्जी हैं उनके लिए इस लाइफ टाइम में, ताकि अपने इमोशंस पर काबू पाकर आप वननेस को डीपली समझ पाए। व्हाट इज़ वननेस? डिवाइन फेमिनाइन के लिए कॉस्मिक गाइडेंस यही निकल कर आती है कि जो आपके कार्मिक पैटर्न हैं, चाहे वो किसी और के साथ हैं, किसी भी के साथ हैं, वो आपको तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि ये आपको करना ही करना है, ये बस आपने कसम खा लेनी है। ट्विन फ्लेम जर्नी को आप हार मानकर छोड़ सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी आपको थोड़ी ना छोड़ देगी। तो एक्वेरियन एज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको फोर्स कर रही है, क्योंकि जब आप असेंशन प्रोसेस में होंगे तभी आपका ट्विन भी अवेकन होगा, और जब दोनों अवेकन होते हैं सो ट्राई टू चेंज योर रियलिटी बिकॉज लाइफ इज व्हाट यू मेक ऑफ इट। जब आप पूरी तरह से चेंज होंगे तो भी वो भी चेंज होते हुए आपके पास तक आते हैं, तभी तो कमिटमेंट मिल पाता है, वरना बहुत मुश्किल होती है, वरना यही रहता है, ब्लेम गेम की एनर्जी रहती है। प्लीज़ ब्लेम एंड रिग्रेशन इस तरह की एनर्जी में बिल्कुल भी ना रहें, आगे बढ़ते रहें और हैप्पी रहें। जितना ज़्यादा आप अपने आप से एक्सटेसी में रहेंगे ना, उतना ही तभी आपको समझ में आएगा। तभी तो हम कहते हैं कि रीयूनियन बहुत कम लोगों का हो पाता है, क्योंकि कुछ एंगर इश्यू के कारण, ईगो के कारण या फ्रस्ट्रेट होने के कारण ट्विन फ्लेम जर्नी को धत्ता बता देते हैं कि ये कुछ नहीं है,
ये सब बेकार है, ये मिथ है, हम इनके पीछे क्यों भागे, हम तो कहीं और ना शादी कर लें, और ये और वो बहुत ज़्यादा गलत भी बोलते और लिखते हैं। जब तक आप गलत बोलते और लिखते रहेंगे डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में, इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि हाँ कंफर्टेबल, और क्या कह सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल जानकारी है कि हाँ यही ट्विन फ्लेम है, तो कहीं आप किसी कार्मिक या किसी इसी तरह के रिलेशनशिप को तो नहीं समझ रहे हैं ट्विन फ्लेम, वो अलग बात है, लेकिन 100% कन्फर्म है कि हाँ यही ट्विन फ्लेम है, तो आपको इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी, आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी, इसी को शिव शक्ति कहते हैं। ब्लेम करती रहेगी अगर शक्ति शिव पर, फिर क्या शिव शक्ति का बैलेंस है कि नहीं। तो चलिए, ध्यान रखिए अपना, अपने आप को, अपनी सोल को, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए आगे बढ़ते रहें। चाहे आपका ट्विन फ्लेम, जिनके ट्विन फ्लेम ने शादी कर ली है और इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में है, वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो सकती हैं, लेकिन आपने अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए तो भगवान ने ये नहीं कहा कि आप छोड़ दो ट्विन फ्लेम जर्नी, आप छोड़ दो, आप ये तो करो, आप अपने लिए तो करेंगे कि हाँ मुझे बेस्ट बनना है, अपना बेस्ट, ये जो 4 साल में नहीं थी, जो मैं 2 साल में नहीं थी, जो मैं लास्ट ईयर नहीं थी, लास्ट मंथ नहीं थी, आज मेरे अंदर वो पावर और कॉन्फिडेंस है, वो पावर एंड सुप्रीम पावर आपने ग्रैस्प करने की, अंदर आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, जस्ट आपने उसको ग्रैप करना है और कुछ नहीं। फिर आप देखिएगा कि आप जब चेंज होंगे तो आपका मस्कुलाइन चेंज हो ना हो, आप काफ़ी खुश रहेंगे। जो आप बार बार पूछते हैं ना, हम कैसे खुश रहें, वो आए या ना आए, है ना, तो हम कैसे खुश रहें, उसका कारण यही है, उसका तरीका यही है कि आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बन के दिखाइए। आप अपने आप को तो प्रूफ करके दिखाइए, खुद को, दुनिया को नहीं करना है, आप क्या हैं असल में, आप वाकई खुश हैं कि नहीं, या सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। प्रिटेंड करना अलग चीज़ है, सारी दुनिया प्रिटेंड ही कर रही है, अपने आप से खुश रहना है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, हैप्पी जर्नी, जय माँ काली, नमस्कार।